गणेश के ओर आप सबका स्वागत है न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस के अंदर। दोस्तों, चाइना का जो एक तरह से भारत के लिए घेराव है वो करीब करीब पूरा हो चुका है। पूरा इसके लिए हो चुका है जिसे आप कहोगे कि अभी म्यांमार के अंदर पूरी उनकी सत्ता कंप्लीट हो गई है, जहाँ से वो मीज़ो मणिपुरी नागा जो रेबल्स हैं उनको हथियार सप्लाई करता ही रहता है, अब और आराम से कर पाएगा। बांग्लादेश थोड़ा सा न्यूट्रल एरिया है, लेकिन नीचे श्रीलंका पूरा का पूरा चाइना के ताबे में है। मालदीव जो था वो थोड़ा निकला था, फिर वापस आया, अभी भी आधा उसी के प्रभुत्व में है। पाकिस्तान पूरा का पूरा प्रभुत्व में है चाइना के। नेपाल पूरा का पूरा प्रभुत्व में है चाइना के। और जो दूसरा पड़ोसी था अफगानिस्तान, जो एक तरह से देखा जो भारत के मैप में तो पड़ोसी है वैसे नहीं है, वो भी अब चाइना के कब्जे में जाता हुआ नज़र आ रहा है, बल्कि चला गया कहा जाए तो चाइना रशिया का क्वैड जो बना हुआ है उसके अंडर में काम करेगा। तो भारत को चारों साइड से घेर लिया गया है। भारत के लिए खतरे अब एक कोने से नहीं है, चारों कोनों से हैं। और यहाँ पर भारत के लिए जो आने वाले जो साल होंगे, जो परिस्थितियाँ होंगी, वो बहुत खतरनाक होंगी, वो इतनी आसान नहीं होंगी। ये आप लिख कर रख लीजिएगा। शुक्रिया आपका।